आत्मस्वरूप का दृढ़ निश्चय कराने हेतु कहते हैं कि तू आत्मा व्यापक होने से निरपेक्ष है। आत्मा कैसा है? व्यापक है। जब कोई चीज व्यापक होती है तो उसका अभाव किसी के पास नहीं। जैसे आकाश, अब आकाश क्या है? व्यापक है। तो इसका अभाव ये नहीं कि राजा के महल के अंदर है या कोई मिनिस्टर के पैलेस में है कि हम तो गरीब हैं, हमको आकाश कैसे मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्यों? आकाश कैसा है? सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक अखंड पदार्थ सबके पास समान होता है, उसमें गरीबी अमीर का, हिंदू मुस्लिम का, एक पंडित मूर्ख का, पापी पुण्यात्मा का कोई भेद नहीं है। तो तू ऐसा अपने अंदर निश्चय कर कि मैं पूर्ण हूँ, मेरे में कोई प्रकार का अभाव नहीं, जिसके लिए मुझे साधन करना पड़े। अखंड होने से सर्वत्र है। सर्वत्र रहने वाली वस्तु को किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। अगर आपको कहा जाए कि भाई आकाश को खोजो, तो उसके लिए कहीं खोजने जाना नहीं पड़ेगा। या कहा जाए कि तुम पृथ्वी को चलकर ढूंढो, पृथ्वी को, तो पृथ्वी को भी, क्योंकि तो उसके बिना चला ही पैर तो उसी पे रखकर बढ़ेंगे। तो ऐसे ही चैतन्य के बिना तुम कुछ इच्छा करो तो कभी चैतन्य के बिना हम कुछ भी प्रकार की मन कहो, बुद्धि कहो, ये कोई प्रकार की इच्छा हमेशा होगी मन या बुद्धि में। मन करेगा, बुद्धि निश्चय देखेगी। इंद्रियां कुछ भी नहीं इच्छा करती, प्राण भी कुछ इच्छा नहीं करता, शरीर भी कुछ इच्छा नहीं करता है, आत्मा तो पूर्ण काम है, उसमें कभी इच्छा तो तू वही पूर्ण है, ऐसा मन ने निश्चय कर। अपेक्षा शरीर को है जो स्थान, वस्त्र, अन्न, जल अनुकूल को ग्रहण करता है एवं प्रतिकूल का त्याग करता है। ये दिन भर हम खोज करते हैं मार्केट में, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, ये बनाना है, ये करना है, ये सब प्रपंच किसके लिए है? हमारे या तो शरीर की आवश्यकता के लिए, या अपनी इंद्रियों की आवश्यकता के लिए, या अपने मन की वासना के लिए। तो इनके लिए है, तेरे में कोई प्रकार का कमी नहीं, वासना भी नहीं, तो पूर्ण है। हे राजन, वो आत्मा होने से इन सब द्वंद्वों से परे है। क्या है तू आत्मा होने से? इन सब से परे। किन सब से? शरीर से, प्राण से, कर्मेंद्री से, ज्ञानेन्द्रियों से, और मन की अनंत वृत्ति वासनाओं से तू पृथक है, क्योंकि तू इनका साक्षी है। आकाश को देखता है तो आकाश तो उससे अलग है, क्योंकि दो चीज होती है, एक देखने वाला और एक दिखाई पड़ने वाला। इसी तरह वायु को भी तू अनुभव करता है, यहाँ भी एक अनुभव करने वाला और एक अनुभव में आने वाला, तेज से भी तू अनुभव करता है, वो अनुभव में आता है, तू अनुभव, जल का भी तू अनुभव करने वाला है और पृथ्वी का भी तू अनुभव, तो ये सब दो दो है, युग्म है। तो तू इसमें से इन सब का दृष्टा है, आकाश को, वायु को, तेज को, जल को, पृथ्वी को तू देख रहा है, तो इसमें से तू एक भी नहीं है। तू आकाश भी नहीं है क्योंकि तू उससे अलग है, तू वायु भी नहीं है तू उससे अलग है, तू तेज भी नहीं उससे तू अलग है, तू जल भी नहीं तू उससे अलग है, तू पृथ्वी नहीं उससे तू, अब तू इधर हो गया। और इन्हीं पांचों के मिश्रण से ये शरीर बना है। तो जब ये एक एक भूत में से तू पांचों में से कोई भूत नहीं, तो पांचों भूतों से बने शरीर भी तू नहीं है, तो तू
ऐसा निश्चय कर यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह पंचभूतों का है। और इसी प्रकार प्राण भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि प्राण की गति को भी मैं अनुभव किस रूप में करता हूँ कि कभी तेज चलता है, कभी सामान्य चलता है और कभी मंद गति से, है ना, कि मेरा श्वास रुक रहा है, दम रुक रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। तो वो जो हार्ट अटैक होता है, तुम बताना डॉक्टर, तो क्या उसमें श्वास की गति में कुछ कष्ट होता है लेने में पेशेंट को? इसीलिए तो उसको फिर आर्टिफिशियल श्वास देते होंगे, तो ये इनको हो रहा है। तो ये प्राण भी तेरा दृश्य है ना, और मेरा प्राण निकलने वाला है, अब मेरे प्राण निकल गया तो अच्छा, अब मुझे प्राणों में कष्ट हो रहा है, तो ये प्राण भी तुम्हारा दृश्य है। और इसी प्रकार पांचों इंद्रियां, कान वो भी दृश्य है, उसकी भी तुम कमी को अनुभव करते हो, डॉक्टर को जाते हो, आंख की भी कमी का अनुभव करके डॉक्टर के पास जाते हैं, मुख की भी दांतों की गड़बड़ है कि कुछ हो गया तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो तू इन पांचों ज्ञान इंद्रियों का भी दृष्टा है, और ये पांचों कर्म इंद्रिया वाक पाणी पाद मुदा इनको भी तू जानने वाला है। तो तू इन सबको जानने वाला है, कौन सब आ गए, शरीर प्राण ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया और ये मन बुद्धि और उनकी अनेकों वृत्तियां, इनसे तेरा कोई संबंध नहीं, सब से अलग केवल साक्षी मात्र दृष्टा मात्र है। तो आत्मा होने से सब जीवों के शांति और मुक्ति का आश्रय स्थल है। अब तू कैसा है, सब जीवों का आधार है, जैसे कि पृथ्वी सबका आधार है, इस पे सब चराचर स्थित है, वायु सबका जीवन आधार है, उससे सब जी रहे हैं, जल भी सबका जीवन आधार है, ऐसे ही तू इन आधारों का भी आधार है, जैसे सब पृथ्वी पर जंगल हिमालय पहाड़ का आधार पृथ्वी है, तो ऐसे ही सब जीवों का, सब भूतों का भी तू आधार है, तेरे पर ये सब टिके हुए हैं, तू निराधार है, बाकी सब तेरे पर आधारित है। अशांति तेरा स्वभाव नहीं है, अशांति तेरा स्वभाव नहीं है, वासना इच्छा तेरा स्वभाव नहीं है, तो स्वयं प्रकाश है, स्वयं भू है, इसलिए तेरे को कोई प्रकार का अभाव वासना नहीं है। अशांति व भय हमेशा किसी की अपेक्षा से एवं किसी दूसरे के कारण मन में होता है। तो अशांति या भय या इच्छा या कमी दूसरे की अपेक्षा से होता है, गहरी निद्रा में कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा नहीं, और नींद खुलते ही अपेक्षा हो जाती है कि अभी दूध वाला नहीं आया, कि पेपर वाला नहीं आया, कि सब्जी वाला नहीं आया, कि ये नहीं आया, कि वो नहीं आया, ये लेके आओ वो लेके आओ, ये दूसरे की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से कह दो या मन की अपेक्षा से हमें अभाव लगता है, और वो मिल जाने पर मन शांत होता है, लेकिन मन के अभाव में अशांति में और मन के शांति से मेरा कोई संबंध, मैं तो मन के भाव अभाव को भी जानने वाला हूँ। तू इस मन व उसका समस्त द्वंद्वों का दृष्टा साक्षी असंग आत्मस्वरूप है। हे राजन, एक ही आत्मा सारे जगत में व्याप्त है, यह पारमार्थिक सत्तावान है। तो आत्मा कैसा है, एक है, और वो कैसा है, अखंड है, तो
तो अखंड होने के नाते सब देश में सरकार में सब रूप में कहीं उसका विभाग नहीं है। तो क्या है पढ़ो, आत्मा के अलावा कोई दूसरा चेतन नित्य आत्मा नहीं है। तो अद्वितीय आत्मा होने से कोई यहाँ दूसरा कि एक ध्यान में बैठेगा तो एक ध्यान में खड़ा हो जाएगा। तो लोग ध्यान करते हैं ना, कि मैंने एक घंटा ध्यान किया और कोई प्रकट हो गया, तो ऐसा परमात्मा दो नहीं कि एक ध्यान करने बैठेगा और एक उसके ध्यान में आ जाएगा। और वो ध्यान में जो आता है वो सत्य भी नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम्हारे मन ने उसका बार 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 चिंतन किया, घर में चित्र देखते रहे रोज रोज, तो आंखें बंद करके कोशिश करोगे तो वो आएगा। या मंदिर मूर्ति में रोज वहाँ चढ़ाते गए फूल पत्र जल, तो उसको विचार करोगे बहुत मुश्किल से तो वो आएगा। पर जो आएगा वो कल्पित है, जिसने बनाया वो अपनी कल्पना से बनाया। ये जितनी मूर्तियां हैं चित्र हैं सब चित्रकारों के या मूर्तिकारों के मन की कल्पना, क्योंकि किसी ने देखा तो है नहीं। तो वो कल्पित मूर्ति को तुम अपने ध्यान में लाते हो, ध्यान करने बैठे तुम्हारे गुरु ने आदेश दिया कि एक घंटा ध्यान करना, तो वो ध्यान करने बैठे तो तुमको लगेगा श्री हरि आज तो मैंने सूर्य को देख लिया, कि आज तो मैंने गणेश को देखा, आज मैंने हनुमान को देखा। तो ये गणेश हनुमान ये सूर्य तो जो वहाँ आपको ध्यान में दिखे वो कल्पित है। अगर सूर्य को देखा है और रात्रि के समय तुम ध्यान कर रहे हो घर में, अब विचारना थोड़ा, तुम्हारे मकान के ऊपर छत पर टीन लगा है टीन का, और उसमें कोई एक छेद है और ऊपर जो है रात्रि का समय है तो चंद्रमा का वो प्रकाश उसमें से छेद में से निकलकर एक आपको जैसे टॉर्च लाइट में से निकलकर लाइट निकलता दिखता है, तो उस छेद में से उस चंद्रमा का दिन में है तो सूर्य का आपके घर में वो प्रकाश पड़ता है उस छेद में से। तो अगर तुम्हारे ध्यान के समय सूर्य आ गया तो तुम्हारे कान के छेद में से कि आंख के छेद में से कि नाक के छेद में से वो ज्योति घर में फैलना चाहिए, लेकिन कोई ज्योति न नाक में से निकलती है न कान में से न आंख में से। तो तुमने मन में कल्पना की थी कि यहाँ सूर्य प्रकट हो रहा है, तो वो जो ध्यान में आता है आपको वो कल्पना मात्र है, वो वास्तविक नहीं है। और वो परछिन्न है, वो दृश्य बन गया और तुम उसके दृष्टा बन गए, तो दृश्य कभी सत्य नहीं होता। और वो भी कब आया है, जब तुमने अपने मन को बहुत बहुत एकाग्र करने की चेष्टा की है। जब मन बाह्य चिंतन से हटता है, बाह्य चिंतन से, तब ये तुम्हारे देवी देवताओं की कल्पित चिंतन से वो प्रकट होता है, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि परमात्मा अचिंत्य को कहते हैं, जिसका चिंतन मन बुद्धि नहीं कर सकता। और जिसका चिंतन हो रहा है वो तो नाश्वर पदार्थ है, चिंत्य पदार्थ है, और जो भी चिंत्य पदार्थ है वो अचिंत्य नहीं है, और अचिंत्य नहीं है तो वो सब कल्पित नाशवान है।